Pakistan has the world's second highest number of out-of-school children at primary level. Every 10th child out of school is Pakistani. According to the global survey, approximately 50.8 million children in Pakistan between the ages 5 and 15 years still have not seen the school. The rest is, the gender discrimination is still rampant in Pakistan. Pakistan ne 2016 हैदराबाद में 200 स्कूलों के साथ काम शुरू किया और हमारा मकसद ये था कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे कोई भी और नहीं पहुँच सकता वहाँ पे बच्चों को अच्छी मेयारी तालीम एक कमरे के अंदर जहाँ पे स्कूल के लिए बहुत से ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पे 30 बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है और एक छोटी सी बिल्डिंग को हायर करके हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का तावन है हमारे साथ हैदराबाद की सतह पे। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है वो है टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करना, टीचर्स को ट्रेन करना। तो हमारे यहाँ टीचर की कैपेसिटी बिल्ड करने का कंटिन्यूस सिस्टम है, जिस तरह हमारे पास असेसमेंट का एक कंटिन्यूस सिस्टम है, इसी तरह से हम टीचर्स की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने के लिए हम उनको बुनियादी ट्रेनिंग देते हैं जो 15 दिन की मुहित होती है। फिर उसके बाद हम हर महीने उनको रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो बच्चों को के जो लर्निंग आउटकम्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने में बच्चों की हेल्प कर सकें। वी कंसीडर एजुकेशन टू बी अ पावरफुल टूल फॉर कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इनजस्टिस। आवर एजुकेशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज है, मैं मेजरबाग गांव में रहता हूं। तो यहाँ ब्राग कंपनी ने स्कूल खोले हैं, स्कूल से बहुत फ़ायदे हुए हैं यहाँ के बच्चों को, माहौल को। जो बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती थी वो बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं इस स्कूल के ज़रिए, जालक पुना ख़त्म करने के लिए। इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं हम लोग। जो बच्चियाँ नहीं आ पा रही थी, गाँव गोट से नहीं निकलते थे, पेरेंट्स नहीं भेजते थे जिन बच्चों को, वो बच्चियाँ भी यहाँ पढ़ रही हैं। अवर यूनिक लो कॉस्ट इनोवेटिव चाइल्ड फ्रेंडली non-formal primary education model leads to improved access and quality in education. We provide education through one classroom per school model with flexible timings, low-cost teaching and learning materials, hygienic latrines and clean water facilities. Assalamu alaikum. Mujhe naam Sahiba hai. Aayi maa jo course master kiya hua hai, unka wala CTA BHA alag alag courses bhi kiya hai. 15 साल मुझे एक्सपीरियंस है एज अ टीचर प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन ओतरो सीखने लाइ न मिलो है जेतरो इन ब्राक इदारे में असें सीखने लाइ मिलो है। तमाम सुठी इम्प्रूवमेंट है वे बार जी बिल्कुल भी कुछ को पढ़ी सकना हुआ हिंसर उ माशाला से इंग्लिश में पैं नालो बुधा सन था, इंग्लिश में का शे पढ़ी सन था, सिंधी में कें भी शे के वो पढ़ी समझी सन था, सुठे तरीके से पैं सफाई वगैरह जो भी ख्याल रखन था। पे बार जो तमाम गंदा आंदा हुआ उर बार तमाम सुठे तरीके से अचन था, तमाम सुठे तरीके से उन्हें वेहन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, उन्हें गल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। 3 years back we started the education program. After the need assessment, 200 primary schools started at region Hyderabad with collaboration of Sindh Education Foundation in the area of Pusidi, Tandoja and Latifabad, where 6,666 students have been enrolled. We focus those who are dropouts or have not attended any school and have no possibility to ever attend any school in the future. I am Mohammad Ghosh Mirani, Assistant Director, Social Welfare Department, Government of Sindh. I am really happy that Barak has been working in remote areas of Sindh. Especially Sindh has a low literacy rate. Barak reached in the remote areas. They started their progress, literacy, especially literacy project. Their enrollment has been increased. BRAC Pakistan, BRAC Pakistan is paying the rent to house owners to strengthen the economic condition of poor folks.
located preferably at the middle of the villages. The students sit in a U or a round shape, which helps to create an informal, interactive, participatory atmosphere and a conducive environment of all the students. Meantime, BRAC Pakistan, BRAC Pakistan, organizes the capacity building training for the staff and teachers for the sustainable change and promotes the quality education. BRAC Pakistan believes in a participatory and transparent monitoring mechanism where field staff form school management committee for each school. BRAC Pakistan has core value to build strong coordination with the government line departments, where they invite to participate in the annual education celebration and recreational activities and develop the participatory mechanism to mainstream the learners after passing out the primary from BRAC schools, BRAC schools.